गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 4 क्लास 1 यूनिट 7 वोटरिंग राइम। एवरीवन, लास्ट हमने किया था पिक आउट द साइलेंट लेटर्स, ठीक है, वो कल हो गया था। आज राइट राइमिंग वर्ड्स पेज नंबर 118 पे है, बुक की पेज नंबर 118। राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। राइमिंग वर्ड लिखने हैं हमें। पहला मॉर्निंग, उसका इंग्लिश दिया है। अब है कार, कार का राइमिंग है फार। लिखो टेक्स्ट बुक में लिखो कार का फार। फिर सामने हाय, वार्मिंग, प्लांटिंग, फिर है रेनिंग, इसके बाद है फिलिंग, डांसिंग, एंड लास्ट है laughing। Write down। हाँ मैंने जैसे लिखा है ना ऐसे ही। देखो इधर,
थर्सडे। आपकी यूटी है इंग्लिश की यूटी है, ठीक है। उसमें इंग्लिश वन में चैप्टर नंबर 6 हवाई था वाला था ना, जो हवाई था वाला चैप्टर वो पूरा। एंड इंग्लिश 2 चैप्टर 13, ओके। ये हवाई था वाला चैप्टर और स्कॉलर्स और वो पंडित जी वाला था ना, वो दोनों चैप्टर लिख लो। लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम विच साउंड्स लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें पोएम में नीचे दिए गए जो शब्द है उसके जैसे साउंड वाले शब्द ढूंढने हैं और फिर लिखने हैं। इंग्लिश टू में सिर्फ 13 चैप्टर है। यस, ठीक है, चलो। अब लिखा है आर, आर का राइमिंग होता है अवर। लिखो अवर। फिर है बेर, उसका बेर। देयर, देयर। एसओ एन सन, तो एस यू एन सन। एसओ एन सन यानी कि सूर्य। एस ओ एन सन यानी कि बेटा और एस यू एन सन यानी कि सूर्य। क्या है पेज नंबर 119 पे है। फिर फ्लावर, फ्लोर, तो फ्लावर। थ्रू, तो थ्रू, थ्रू, ठीक है। लिखो सब। इन द सेंटेंसेस बिलो द कैपिटल लेटर्स, कोमास, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स आर मिसिंग। नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस है उसमें कुछ भी पंक्चुएशन मार्क्स दिए गए नहीं है। पंक्चुएशन मार्क्स किसको बोलते हैं? जैसे कि इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं? कोमा। फुल स्टॉप, कोमा, ये है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैपिटल लेटर्स भी नहीं है। कैपिटल जैसे कि ये ए है, बी, सी, ये सारे कैपिटल है और ये स्मॉल है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस है उसमें कहीं भी कैपिटल नहीं दिया गया, कहीं भी फुल स्टॉप, कोमा या क्वेश्चन मार्क नहीं दिए गए हैं। तो हमें वो सब कुछ करेक्ट करना है और सेंटेंसेस फिर से लिखने हैं, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टैंड? ओके, नाउ विल स्टार्ट। चलो फर्स्ट, अब लिखा है ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल। तो ऑन में ओ कैपिटल है नहीं है, तो हमें उसको कैपिटल लिखना है, बड़ा।
करा ऑन मंडे मंडे के बाद राइट नाउ सही करा ऑन मंडे मो ब्रिलियंट जवान से तमारो
फिर ई से हम कल नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पहले थोड़ा हम रिवीजन करते हैं। ये था पार्ट थ्री था, ठीक है। चलो अब हम रिवीजन थोड़ा सा करते हैं। मैंने आपको बोला था न्यू वर्ड्स, बोला था लिखने के लिए, लिखे होंगे तो सबको मैंने लर्न करने के लिए भी बोला था। चलो विगवाम, विगवाम का क्या मीनिंग होता है बोलो। शेल्टर, विगवाम का मीनिंग होता है एन ओवर शेड, शेल्टर। बोलो दो बार, विगवाम का मीनिंग एन ओवर शेड, शेल्टर। एन ओवर शेड, शेल्टर। एन ओवर शेड, शेल्टर। कंप्लीटेड, लिख लिया, समझ लिया इतना। फिर है बीवर, बीवर्स बोलो। रोड टेल्ड ब्रॉड, बी आर ओ ए डी, ब्रॉड टेल मैमल। अ ब्रॉड टेल मैमल, चलो दो बार बोलना है। बीवर, अ ब्रॉड टेल मैमल, बीवर, अ ब्रॉड टेल मैमल। मेरे साथ नहीं बोलना है, मैं बोलूं उसके बाद आपको बोलूं। बीवर, बीवर, अ ब्रॉड, अ ब्रॉड टेल मैमल, विगवाम, विगवाम। एन ओवर शेड, शेल्टर। एन ओवर शेड, शेल्टर, ठीक है, याद रखना है। अक्रॉन्स, अक्रॉन्स का मीनिंग कौन बोलेगा? डर्वी। अ फ्रूट ऑफ ऑफ, वेरी गुड। अ फ्रूट ऑफ ऑफ, चलो अक्रॉन्स। अ फ्रूट देखो। चलो हेड, स्टैंड अप, टिमी,
टू सोफिया। वेरी गुड। चलो चाइनीज स्टैंड अप बिग वन। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है।